अच्छा लगा एंड मैं ये कहूँगा कि प्रिंसिपल साहब एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैं और एमएलए साहब हम दोनों आए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो आई थिंक काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है. इतना हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, जैसे स्टाफ की और कोर्सेज की, वो सब चीज़ें करेंगे. लकीली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी एक यंग डायनेमिक जेंटलमैन है, तो आई एम श्योर. और हमारी सारी वो कहते ना कि हम सबके दोस्त हैं, तो आई एम श्योर कि क्या उनसे डिस्कस करेंगे. एमएलए साहब को मैंने रिक्वेस्ट की है कि यहाँ से एक डेलीगेशन साथ लेके जाएं और जो टीचर्स और स्टूडेंट्स को वहाँ पे मिलवा के भी लाएं और वहाँ पे डिस्कस करके. तो आई एम श्योर कि जो यहाँ की प्रॉब्लम्स है वो कोई ऐसी नहीं है कि हम उनको क्योर नहीं कर सकते. मतलब आई एम वेरी वेरी होपफुल कि हम इस चीज़ का ब्रेक थ्रू जल्दी निकाल लेंगे. वो तो अब जैसे जैसे जो प्रॉब्लम सामने आएगी उसके लिए फंडिंग कैसे हो सकती है, वो कौन से रूट से, कौन से चैनल से उसको एक्टिवेट किया जा सकता है, उस पर वर्किंग करेंगे. आज आप लोगों ने दिखाया, धीरे धीरे हमें भी कुछ टाइम दीजिए उस पर वर्किंग करने के लिए. मैं काफ़ी समय बाद जिहड़ा साडा फाजिलका सरहदी इलाके का एक कॉलेज है एम आर सरकारी कॉलेज आए थे और टीचर्स नू मिले, प्रिंसीपल साहब नू मिले और स्टूडेंट्स नू मिले और देखा कॉलेज दे विच प्रिंसीपल साहब ने अपना परसनल इंटरस्ट लैके बहुत अच्छा कॉलेज में सुधार किया है और ये लिए बधाई के पात्र ने. और कुछ कमियां जड़िया स्टूडेंट्स वालों और प्रिंसीपल टीचर साहबान वालों दसिया गई ने और साढ़े नॉलेज के आई ने और बड़ी जल्दी असं उन्होंने कमियां पूरी करेंगे. सब तो पहला तो करमजीत और एम एल ए साहब का कॉलेज पहली बार आने से मैं गया. हल्के के नुमाइंदे ने कॉलेज इन्हों का प्रिंसीपल आते ने चले जाते हैं और प्रिंसीपल ने सरकारी नियमों मुताबिक काम करना होंगे. इन्होंने सानू हर तरह की मदद का यकीन दवाया, जिहड़ियां कमियां पेशियां कुछ स्टाफ के एंगल तो या कुछ होर इंफ्रास्ट्रक्चर या फंड्स के एंगल तो जो भी साड़ियां रिक्वायरमेंट्स ने इन्होंने सानू पूरा आश्वासन दवाया कि ये पूरी करन दे विच साड़ी मदद करनगे, हेल्प करनगे और होपफुली जिन्ना टाइम मेरे को बाकी है उस विच असी इन होर उपर लैके जावांगे. किस किस तरह का मुश्किल तुम्हें ध्यान चलिया? सब तो ज़्यादा तो जिस तरह विद्यार्थियों ने भी दसिया, टीचर से भी दसिया, वह फैकल्टी दियां ने क्योंकि साढ़े को स्ट्रेंथ 22.5 और फैकल्टी मैंबर ने साढ़े को 32-33 पोस्टा सेंक्शन ने और जो असी हूँ की स्ट्रेंथ वेखिए तो मैं 40-45 टीचर्स भी जोड़े घट हैं. तो वो सरकार वो बारे अपने लैवल से इनिशिएटिव लै रही है, टाइम तो लगता है. ओबियसली सरकार को अजे महीना भी नहीं होया तो समा लगेगा और सानू पूरी आस है कि बड़ी जल्दी इन्होंने सारिया समस्यावान का हल निकल. असी पिछले लंबे समय से कॉलेज की हालत पिछलिया सरकार ने बहुत माड़ी करती, 40 का कॉलेज बनया होने तो बाद भी साड़िया मंगा उवें ही रही. अज भी कोई असी नवी मंग नहीं मंग रहे, पुरानिया मंगाइया. असी नवी सरकार तो नवे MLA तो ये आस करते कि जे साडे कॉलेज नूं घट्टो घट्ट वधिया होवे ते वधिया बने, ते वो असी मंगा अज रखियां इन्हां सामने ते अज गल कर रहे गल भी कीती आ. ते MLA साहब ते करण गलोत्रा जी ने सानू पूरा आश्वासन दवाया कि जल्दी साडा प्रोफेसरां दी घाट दी कमी आ जिहड़ी घाट आ वह पूरी हो जूगी. तो ये तो इन्हों का ये तो इतों का कहना कि जल्दी मतलब 2-3 दिनों के ही प्रोफेसर पूरे किए जाएंगे तो जिहड़ियां होर समस्यावां उहदे देखिया जा रहा वो जल्दी जिवें भी सोल्यूशन नहीं. अज तक तो कदी नहीं होया कि असी गए हुई तो MLA अगले दिन आ जाए, तो यह पहली बार होया, सानू भी खुशी हुई है. तो असी इस आस भी करते चाहते भी हाँ कि जेडे काम आ जो कॉलेज में लैके आ जा हायर एजुकेशन लैके आ जल्दी जल्दी